1906 कलकत्ता अधिवेशन में शुरू थयेली स्वराज नी लहर समग्र देश में फैलाई रही थी। जन सहयोग थी कांग्रेस स्वराज आंदोलन नु नेतृत्व करी रही थी। 1907 ना सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नी एक खासियत नजर आवी, ज्यां अलग अलग मत ने एक साथे लई भारत माता नी आजादी ना एकमात्र उद्देश्य नी दिशा में मजबूती साथे आगे कूच करी। राजबिहारी घोष की अध्यक्षता में 1908 ना मद्रास अधिवेशन में कांग्रेसे बंगाल विभाजन ने रद्द करवाना, बंगाली अस्मिता ने एक जूथ राखवा अने भारतीय सैनिकों ने सेना में उच्च पदों पर नियुक्त करवानो ठराव पसार कर्यो। दुकाल बाद सतत वधती मोंघवारी नो कांग्रेसे विरोध कर्यो। आज अधिवेशन में कांग्रेसे प्राथमिक शिक्षा ने निःशुल्क करवानो मुद्दो उठाव्यो। मदन मोहन मालवीयानी अध्यक्षता में 1909 ना लाहौर अधिवेशन में कांग्रेसे अंग्रेजों की विभाजनकारी नीति ने पछड़ाट आपी। धर्म ना नामे अलग चूंटणी ना अंग्रेजों ना प्रस्ताव ने नकारी काढ़वामां आव्यो। अंग्रेजों देश नु विभाजन करवा माटे अनेक प्रयत्नों करी रहा हता, त्यारे पण कांग्रेस आज नी जेमज देश ने एक जूथ राखवानो प्रयत्न करी रही हती। आज अधिवेशन में भूपेन्द्रनाथ बोस अने सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी ने अंग्रेजों ना विभाजनकारी एजेंडा ने दुनिया नी सामे उजागर करवा माटे इंग्लैंड मोकलवामां आव्या। आफ्रिका ना देशों में भारतीय मजूरो यातनापूर्ण जीवन जीवता हता। 1910 ना अलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेसोए अंग्रेजों नी गिरमिटिया प्रथा नो विरोध करता भारतीय मजूरो ने आफ्रिका न मोकलवानी वात कही। कांग्रेस सतत भारतीय हितों की रक्षा करवामा अने देश नी जनता नो विश्वास जीतवामा सफल थई रही हती, कारण के कांग्रेस ना उद्देश्य मा, विचारों मा, लक्ष्य मा, कार्यप्रणाली मा भारत नो हित ज सर्वोपरि रह्यु छे, जे क्रम आजे पण यथावत छे। आरटीई ने जोई लो, राइट टू एजुकेशन भले 2009 मा आव्यो पण तेनो पायो तमे लगभग 100 वर्ष पूर्वे 1908 ना अधिवेशन मा जोई शको छो। एटला माटे परिस्थिति भले गम्मे ते होय, अमे भारत भूमि ना हितों थी क्यारे पीछे हट करीशु नहीं। जय हिंद।